नमस्ते। हमारी जो नक्षत्र सीरीज है, आज उसमें हम लोग बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में। तो देखिए, जो विशाखा नक्षत्र है ये 20 डिग्री लिब्रा में स्टार्ट होता है और 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो तक ये नक्षत्र जो है ये जाता है। अगर हम जनरल इंडिकेशंस की बात करें इस नक्षत्र की, तो द्वारा महीर के हिसाब से कहा गया है कि अगर किसी का चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में हो, तो ऐसे जो लोग हैं वो दूसरों की प्रॉस्पेरिटी से जलते हैं, खुद काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, ब्राइट होते हैं अपीरेंस में, पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं, पैसा बनाने में काफ़ी सक्षम होते हैं और लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवा देते हैं। दैट मीन्स इनकी जो नेचर होती है वो थोड़ी बैकबाइटिंग की होती है। ये वारामहीर ने बृहद जातक में इस नक्षत्र की जो जनरल इंडिकेशंस हैं वो दी हुई हैं। आइए हम थोड़ा सा इस नक्षत्र को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो विशाखा नक्षत्र है इसका जो सिंबल है वो एक गेट है। जैसे आपने देखा होगा किसी राजमहल में अगर कोई मेजर फंक्शन होता है तो एक बड़ा गेट होता है बाहर, और उसको हमने फ्लावर्स से और फूल पत्तों से एक्चुअली डेकोरेट किया हो, सो विच इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री। जैसे अगर कोई राजा जंग जीत के वापस आएगा, उसके स्वागत में किस प्रकार का गेट बनाया जाएगा सिटी में, तो उस तरह के गेट को रिप्रेजेंट करता है, वो इसका सिंबल है। तो इस वजह से विशाखा नक्षत्र जो है इट इज़ अ साइन ऑफ विक्ट्री। किसी भी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ, यानी उनका चंद्रमा अगर विशाखा नक्षत्र में है, या उनके जो मेजर की प्लैनेट्स हैं जैसे 10th लॉर्ड हो गया या 10th हाउस हो गया, मिड हेवन हो गया, जो वो अगर इस नक्षत्र में होंगे, तो ऐसे लोग जो हैं दे आर बॉर्न टू विन। आप इसको इस तरह से देखिए। अगर हम डेटी की बात करेंगे, देवता की बात करेंगे, तो वैदिक डेटीज में दो डेटीज जो हैं, इंद्र और अग्नि, वो इस नक्षत्र को गवर्न करते हैं। अब अगर हम इस नक्षत्र के फलों को समझने की कोशिश करें, तो इन दोनों डेटीज को समझ के आपको इस नक्षत्र के फल समझ में आ जाएंगे। देखिए, इंद्र जो हैं वो विक्टोरियस हैं, वो राजा हैं देवताओं के, और वो एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपने पुराणों में स्टोरीज पढ़ी हैं, कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र जी की गद्दी हिल जाती है। सो बीइंग सो मच सक्सेसफुल, उसके बाद भी उनके अंदर एक डर है, मतलब अंदर से उनको लाइफ में डर है। तो इसी वजह से जो भी लोग विशाखा नक्षत्र में पैदा होते हैं वो एक अच्छी पोजीशन में तो पहुंचते हैं, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है लाइफ में, लेकिन उनके अंदर जो भय है वो हमेशा होता है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हमने ये इतनी मेहनत से पोजीशन हाई जो हमें मिली है, इतनी मेहनत करने के बाद ये हमसे छिन ना जाए। इसी वजह से, इसी कारण से वो दूसरे लोगों से जलते हैं। उनको ये लगता है कि अरे, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मुझे ये पोजीशन मिली, सामने वाले ने उतनी तो मेहनत करी नहीं, उसको मेरे से बेटर पोजीशन कैसे मिल गई। इसलिए उनको दूसरे लोगों से जलन रहती है, इसका ये कारण। अग्नि जो है वो भी एक बहुत स्ट्रांग देवता है, और उनके बिना आप कोई भी हवन का या यज्ञ का कार्य पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज अग्नि जो है वही वाहन है आपकी आहुतियाँ देवताओं तक पहुँचाने के लिए। तो इस वजह से ऐसे जो लोग हैं दे कैन एक्ट एज मीडियम्स, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि ये जेलस होते हैं तो लोगों की हेल्प नहीं करते, डेफिनेटली ये लोगों की हेल्प भी करते हैं उनको एक पोजीशन पे पहुंचाने में, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है, मतभेद हो जाता है, क्योंकि जब सामने वाला आदमी किसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो ये इनसिक्योर हो जाते हैं, इनको डर लग जाता है अंदर से, जिस वजह से वो जेलसी आ जाती है। इसी वजह से विशाखा नक्षत्र के जो लोग हैं इनकी थोड़ी बैक बाइटिंग की नेचर होती है, यानी पीठ पीछे बात करने की, एक को कुछ सिखा देंगे, दूसरे को कुछ और सिखा देंगे, और जिससे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और
खुद जो है आप ये समझिए, हम जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं तमाशबीन बन के देखते हैं, यू नो वंस पीपल स्टार्ट फाइटिंग ये अपने आप को साइडलाइन कर देंगे और उसको देखेंगे। एक आदमी कुछ बोलेगा तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि इनको कुछ मालूम ही नहीं है, एंड ही इज द वन हु हैज ऑल क्रिएटेड इट। तो इस तरह की थोड़ी सी इन लोगों की नेचर होती है। सक्सेस की बात करूंगा तो दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, क्योंकि इनके लिए गोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मींस इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अगर इनको कहीं पहुंचना है तो ये वहाँ पे पहुंचने के लिए अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं इनके पास, इनके डिस्पोजेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं इनके डिस्पोजल पे, उन सबको यूज़ कर लेंगे। एंड फॉर देम दी गोल इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट दी मीन्स। इसी वजह से ये किसी भी प्रकार का अगर एक्शन करेंगे कहीं पहुंचने में तो उसको जस्टिफाई ये कर लेंगे, बिकॉज इनकी पर्सनालिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, बातों में ये बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए अगर इन्होंने कोई भी रास्ता अपनाया है सक्सेस तक पहुंचने के लिए तो उसको ये जस्टिफाई कर पाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ईजिली उसको जस्टिफाई कर देंगे अपनी बातों से। बेसिकली इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दे आर बॉर्न लीडर्स, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जिनका भी चंद्र विशाखा नक्षत्र में अगर आपको मिलता है तो इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं और इनके एम्बिशन भी होते हैं। आपको ये नक्षत्र जो है बहुत पॉलिटिशियंस के चार्ट में भी मिल जाएगा, बिकॉज जनरली जो प्रोफेशन इस नक्षत्र से जुड़ता है वो पॉलिटिकल करियर होता है, या ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग और हाई पोजीशन पे बैठना पसंद करते हैं। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो दे आर मास्टर्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को समझ पाते हैं, चाहे इन्होंने पढ़ाई एक लाइन में की हो, लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वेदर इट कम्स टू मनी, पैसा किस तरह से मैनेज करना है, नॉर्मल दुनिया को किस प्रकार से मैनेज करना है, तो हर चीज़ में इनकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इन लोगों में काफ़ी अच्छी होती है जो लोग भी विशाखा नक्षत्र में पैदा होते हैं। दूसरी बात जो मैंने देखी है इस नक्षत्र में करेक्टरिस्टिक, ये जब किसी के साथ डिस्कशन में जाएंगे तो दे विल ट्राई टू बिहेव जैसे इनको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। सो दे आर एक्चुअली इंफॉर्मेशन गैदरर्स। अगर इनको कोई लाइफ में डिसीजन लेना है, पांच लोगों से सलाह करेंगे, पूरे मैटर को समझेंगे, उसके बाद डिसीजन लेकिन अपना ही लेंगे। ये दूसरों की सलाह ज़रूर सुनते हैं लेकिन काम जो है वो खुद ही करते हैं अपने दिमाग से। तो इस वजह से आप ये समझिए कि इनका जो एनालिसिस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं लाना चाहूँगा, देखिए जैसे ये नक्षत्र जो है ये तुला में और वृश्चिक दोनों राशियों में पड़ता है, तो जो लोग भी इसके चौथे चरण में पैदा होते हैं, जो लास्ट 3 degree 20 minutes है इस नक्षत्र के, जो वृश्चिक राशि में आ जाता है, वो लोग जो हैं काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, स्पेशली अगर हम चंद्र की पोजीशन देखें तो। वैसे तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी जातक विशाखा नक्षत्र में पैदा होगा तो जो पहला 3 degree 20 minutes है विशाखा में, जो विशाखा में लास्ट 3 degree 20 minutes है और वृश्चिक राशि का पहला 3 degree 20 minutes है, वो कर्क राशि में पड़ता है। तो इस वजह से मून को काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है उस केस में और उस पर नीच के इफ़ेक्ट्स नहीं आते। जो ये वाले लोग हैं थोड़े सीक्रेटिव होते हैं अपने एक्शंस में, अपनी जो प्लानिंग है कभी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम डिजीज़ की बात करें, हमने हमेशा डिजीज़ की बात की है कि अगर कोई नक्षत्र एफ्लिक्ट हो जाए या सिक्स हाउस से जुड़ जाए, तो देखिए विशाखा नक्षत्र जो है जनरली हाथों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों की लाइफ में आ सकती है, या इनको मसल्स जो चेस्ट एरिया की मसल्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फीमेल्स की हम बात करें तो जो उनका ब्रेस्ट एरिया है उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो एफ्लिक्शन अगर इस नक्षत्र की मिलती है तो आपको ये एरियाज हैं जिन पे फोकस करना है। प्रोफेशंस में आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि दैट दे कैन बी इन अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस, बिकॉज इन लोगों का एनालिसिस जैसे मैंने बताया बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छी
नॉलेज गेन कर लेते हैं, बट इनके जो एम्बिशन है वो हमेशा पोजीशन पे आना होता है, वेदर यू नो इट्स पॉलिटिकल, कहीं सी पोजीशन पे मिनिस्टर बनना चाहेंगे, या अगर इनफैक्ट आप देखेंगे कि अगर इस नक्षत्र के जो लोग हैं वो अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी RW है तो वहाँ के भी प्रेसिडेंट बनना पसंद करेंगे, ब्लॉक का हेड बनना पसंद करेंगे अगर वो किसी और पोजीशन पे नहीं पहुँच पा रहे पॉलिटिकल। तो इनका हमेशा हमेशा किसी जगह पे नेता बनने में इनका इंटरेस्ट रहता है जो लोग भी विशाखा नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो सो दीज आर माई थॉट्स ऑन विशाखा नक्षत्र। धन्यवाद।